मुजफ्फरपुर के काटी थाना से महज कुछ ही दूरी पर पीएनबी बैंक लूटने पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने गार्ड को गोली मारकर हथियार छीन लिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल होमगार्ड जवान को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अपराधी लूटपाट करने में सफल नहीं हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। डीएसपी, सीटीएसपी और काटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। बैंक रॉबरी का अटेम्प्ट किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो होमगार्ड के सिपाही है उनकी डेयर एक्ट की वजह से वो लूट नहीं कर पाए, लेकिन उनके हाथ में जो राइफल थी उसको लेकर के चले गए। गोली भी लगी है किसी गार्ड को? गार्ड को बचाने के क्रम में पैर में गोली लगी है। कितना गोली लगा सर? एक गोली लगी है अभी। गार्ड होगा सर बराबर हुआ है 5 के आसपास से। बाकी हम लोग अभी सीसीटीवी निकाल रहे हैं तो उसको और क्लियर हो पाएगा कितने अपराधी थे। अभी क्राइम ऑफिस से 5 अपराधी हम लोग देख पाएंगे, 5 अपराधी आए हैं। जानकारी के मुताबिक काटी ओवरब्रिज के समीप हथियार से लैस अपराधी पंजाब नेशनल बैंक लूटने पहुंचे। बैंक में पहुंचे अपराधी मास्क लगा रहे थे। गार्ड की नजर पड़ी तो उन्हें मास्क हटाने के लिए कहा। जब बात नहीं माने तो गार्ड ने विरोध किया। इस पर गुस्साए अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर गोली चला दी। वहीं आईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि गार्ड ने बैंक को लूटने से बचाया है, ठीक होने के बाद उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। दमखम के साथ उनके साथ अपना जोश दिखाया और बैंक को लूटने से बचाया तो बहादुरी के पात्र हैं और आगे रिवॉर्ड पुरस्कार और जो भी प्रोसेस होती है हमारी उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उनकी स्वास्थ्य को एकदम तंदुरुस्त करना है और उनको खतरे से बाहर निकालना है। खैर आगे देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में कितनी सफल होती है। मुजफ्फरपुर से टीवी 9 के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।